दोस्तों आज हम यहाँ पर बैठे हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए जो आने वाले वक्त में हमारे परिवार पे हमारे जीवन पे डालेगा। आज एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि महिलाओं के लिए मेट्रो पे और बसेस के फेयर को खत्म कर दिया जाएगा। कितना ये प्रैक्टिकल है, क्या ये पॉसिबल है, या दिल्ली गवर्नमेंट ने एक जो फैसला लिया है ये महिलाओं के हक में, क्या इससे महिलाओं को फायदा होने वाला है, तो इस मुद्दे पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर विकास नागवान जो एक बहुत ही प्रसिद्ध एडवोकेट हैं और समय समय पर इन इस चीजों के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे ये जो एक फैसला लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, क्या हमारे जीवन पे असर डालेगा, क्या इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा हमारे जीवन पे, और क्या सच्चे में महिलाओं को इसका बेनिफिट होगा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे इसके ऊपर अपना एक संक्षिप्त में इसके बारे में बताइए, क्या ये फैसला जो लिया गया है ये ठीक फैसला है। योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट किया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मुद्दे पे आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर सकूं। देखिए, सरकार ने फैसला लिया कि महिलाओं के लिए बस टिकट और मेट्रो रेल का जो पास है वो यात्रा फ्री कर दी जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी सरकार हो और कोई भी पार्टी हो, वो सारी पार्टीज और वो सारी सरकारें सिर्फ वोट पाने के लिए कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट करती है। देखिए, कॉमन मैन पागल नहीं है, हर आदमी को समझ में आता है कि जो पैसा सरकार देगी वो या तो सब्सिडी के तौर पे देगी, ठीक, और या फिर ऐसे कंसेशन दिया जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सरकारी खाते से दिया जाएगा। सरकारी खाते में पैसा कहां से आएगा? आप जैसे हम जैसे जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आज सरकार को वे टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, मेडिकल फैसिलिटीज देने में, या फिर हमारी जो डिफेंस है उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। पहली बात तो आज की तारीख में मेट्रो रेल में इस चीज को इंप्लीमेंट करने का दिल्ली सरकार के पास कोई तरीका नहीं है। दूसरा, अगर वो इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसपे वो बात कर सके कि हम कितनी महिलाओं को इस तरीके के फ्री पासेस देंगे और उससे सरकार के ऊपर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। तीसरी चीज, आप हमेशा ये देखिए कि इसमें से कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो इनकम टैक्स पे करते हुए सरकार देश के भविष्य के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और नहीं कर रही है। ये डाटा हमारे पास, अभी सरकार के पास डिस्टिंग्विश डाटा नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन के टाइम पे मध्य प्रदेश में सरकार ने घोषणा की कि हम, नाम नहीं लूंगा सरकार का, लेकिन उन्होंने बोला कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। जी बिल्कुल। और अगले दिन जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, अगले दिन की न्यूज क्या थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये फेरात की पॉलिटिक्स, मैं इसे कहूंगा, जिस तरह की पॉलिटिक्स ये कोई भी सरकार यूज करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है, वो देश के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसा डेवलपमेंट में खर्च हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हो सकता है, जो एजुकेशन के लिए खर्च हो सकता है, जो मेडिकल में यूज किया जा, मेडिकल फैसिलिटीज देने में यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें अवॉइड करके आप उस पैसे को वहां डाइवर्ट कर रहे हो जो देश की डेवलपमेंट में सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान के चलिए कि आज की तारीख में हमारे पास 2 या 3 स्लैब है इंकम टैक्स के, जिसमें 10%, 20% और 30% का स्लैब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30% के स्लैब में आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10% के स्लैब में, और एक खास इनकम ग्रुप से नीचे तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता और वो लोग मेजोरिटी में है। अगर देश को आगे बढ़ना है तो देश को ये फ्री में बांटने की पॉलिटिक्स हटानी पड़ेगी। किसी ना किसी सरकार को ये मुद्दा अपने सबसे पहले अपने एजेंडा में रखना पड़ेगा, क्योंकि देश में ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि देश जब डेवलप, जब अच्छे से होगा, जब सबके सब कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर मान लीजिए एक आदमी 100 रुपए कमाता है, उससे आप पैसे नहीं लेते हो, इनकम टैक्स नहीं ले रहे हो, एक आदमी जो 1000 रुपए कमा रहा है उससे कहते हो कि नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ कि नहीं, आपको 100 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% के स्लैब में। एक बड़ा सिंपल सा, एक छोटी सी कहानी है,
अगर मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट पे 10 लोग खाना खाते हैं और 10 रुपए की प्लेट है, तो हर इंसान को 10 रुपए पे करने चाहिए क्योंकि खाना तो उतना ही खाएगा। और अगर हम उसमें से 3 लोगों को फ्री कर दें कि आप 3 लोग आप पैसे नहीं देंगे अब आने वाले टाइम में जितना भी आप जो भी खाएंगे, तो बाकी 100 रुपए का बोझ कितने लोगों पे पड़ेगा? 7 लोगों पे पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ये महिलाओं के लिए जो ये सफर फ्री कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट बसों में और मेट्रो में, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे लोगों पर इसका बोझ आएगा, सभी पर आएगा, हर इनकम टैक्स पे करने वाले के ऊपर इसका असर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं को कुछ फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, लेकिन महिलाओं को फैसिलिटी देने का कोई रीजन होना चाहिए, क्राइटेरिया हो। आप कहें कि इस इनकम स्ट्रेटा से नीचे वाले लोगों की बात कर रहे हैं या ऐसे लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते सरकारी परिवहन में जाना यूज करना, आप उसकी बात करें वो ठीक है, एक तरफ बात करते हैं, लेकिन आपका पिछले 5 साल से आपकी सरकार किसी की सरकार है और आप इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के वादे करते हैं। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सभी इस तरह की बातें करते हैं। इलेक्शन के टाइम पे ही मुद्दे याद आते हैं और वो भी इस तरह से लिक्रेटिव कि लोगों को दिया जाए कि हम आपके लिए फ्री में कुछ देंगे। अभी कुछ टाइम पहले हमारी एक नेशनल पार्टी ने बोला कि हम 72,000 रुपए साल के लोगों को देंगे। लोग पागल नहीं है, लोगों को समझ में आती है, जो सारा बोझ है वो उन लोगों पे पड़ेगा और सरकार के उस पोर्शन पे पड़ेगा जिस पोर्शन पे ऑलरेडी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इस तरह की फ्री में बांटने वाली जो पॉलिटिक्स है वो लोगों को टैक्स चोरी की तरफ लेके जाती है कि अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं तो मुझे वो फैसिलिटी वापस कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। अगर मुझे नहीं मिल रही है वो फैसिलिटी, तो आदमी करेगा क्या? वो कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा हो सके टैक्स बचे। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ? बहुत सारे लोग इंडिया से भागे जिनको टैक्स देना बनता था, जो टैक्स की चोरी कर रहे थे, उनके पास उन्होंने पैसा कैसे डाइवर्ट किया कैसे नहीं किया ये तो आपको नेशनल मीडिया में देखने को मिल ही जाएगा। बट देश को अगर डेवलपमेंट में, देश को आगे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना है, विकास करना है, तो किसी ना किसी तरीके से इस तरह की पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा। लेकिन विकास जी, आज तक दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात करती है, ये वो कहती है कि हमारे को दिल्ली के अंदर महिलाओं को एक बेस्ट सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड करना है। और ये एक पहला कदम है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए मेरे विचार से बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उनको वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा का पूरा उनको फ्री देने जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वो फ्री देने से उसका भार बहुत जो होता है दूसरे लोगों पर आता है, बिल्कुल, तो वो कैसे पता लगेगा कि वो बोझ दूसरे लोगों पर पड़ना शुरू हो गया? क्या डीएमआरसी उसके अंदर अपने टिकट का किराया बढ़ा देगी? आपको क्या लगता है ऐसा होगा कि ये जो आपने बोला कि इसका आपने जो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया, तो क्या ऐसा होगा कि डीएमआरसी की जो टिकट आज हमारे को 15 रुपए की मिल रही है वो आने वाले टाइम में वक्त में बढ़ जाएगी इस कारण से? देखिए, डीएमआरसी की टिकट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसका असर इस तरीके से पड़ेगा कि जो पैसा डीएमआरसी बताएगी कि हमें इतना लॉस हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसने बोला है कि गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट उस पैसे को बियर करेगी, उस लॉस को बियर करेगी। इसका मतलब जो भी लॉस डीएमआरसी को होना चाहिए था वो सरकार से क्लेम करेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास अब कुछ पिछले साल की बात है, एमसीडी के कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और मिली तो 3-3 महीने लेट। दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पैसा तो है नहीं कि वो जो इम्प्लॉई ऑलरेडी है उनको सैलरी दे दे टाइम से। या अब बात करते हैं पिछले 5 साल में दिल्ली में कैमरे लगाने की बात हुई थी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो कैमरे लगा दे। दिल्ली महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली चीज है, किसी आदमी को 5 रुपए की टिकट नहीं दुखेगी, किसी आदमी को नहीं दुखेगी, किसी महिला को ये दुख नहीं होगा कि मुझे 10 रुपए डीएमआरसी में देने पड़ रहे हैं अगर मुझे एसी में ट्रेवल करना है तो। लेकिन अगर उसी महिला के साथ छेड़खानी होती है, उसी के एरिया में उससे चेन की छीना झपटी होती है किसी तरीके की, उस पर अगर कोई एक्शन नहीं होता है वो बहुत बड़ी बात है, वो हर किसी को दुखेगी। किसी की बेटी घर से निकलती है और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार कोई कदम ना उठाए तो वो सबसे बड़ी बात है। सरकार को उस तरफ सोचना चाहिए, ना कि लोगों को 5-5, 10-10 रुपए की टिकट का लालच दे। कहीं ना कहीं सरकार इलेक्शन के टाइम पे अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा? मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में आती है चीजें। अगर वो शांति से बैठ के और एनालाइज करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये सब कुछ ऐसे फैसले वो कुछ लोगों के हित में होते हैं लेकिन देश हित में नहीं, और आने वाले टाइम में देश हित सर्वोपरि है। तो आज की डेट में हम एक मुद्दे को लेकर बैठे हैं, तो
जनता को आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेगा? मैं जनता को बताना चाहेंगे कि हमें इस, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो हर परिवार से जुड़ा हुआ है, हम हमारे हर परिवार में महिलाएं हैं जो सफर करती हैं, और इस मुद्दे के ऊपर जो है आज ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, क्या क्या हमें बोलना चाहिए, क्या आपका संदेश है कि जनता को क्या करना चाहिए ऐसे मुद्दे को, हमें हमें ऐसे मुद्दे के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए या फिर हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि दूसरे लोगों पे इसका इफेक्ट आएगा तो वो दूसरे लोग कौन है, कैसे असर देगा? मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि जनता को बैठकर सोचना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, और जनता को ये पता होना चाहिए कि चुनावी वादों में और बाकी सब चीजों में बहुत फर्क होता है। दूसरी चीज, जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनके ऊपर जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर आज की तारीख में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली चीज है, पहली पहला मुद्दा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर सरकार को करना चाहिए, हम बात करते हैं आज की तारीख में, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि आप हर गर्मी के टाइम पे हर आदमी बिस्लेरी एक्वाफिना की बॉटल लेके घूम रहे हैं। सरकार आज तक लोगों को इस लेवल तक तो नहीं लेके आए कि आप किसी भी गली कूचे या किसी भी जगह जाए वहां फ्री मुफ्त में फ्री में पानी मिल जाए। आप देखेंगे बिस्लेरी की बोतल 20 रुपए की आती है, एक कंपनी है कुआ उसकी 80 रुपए की आती है, तो पेट्रोल से भी महंगा पानी है, मिनरल वाटर बोल के बेचते हैं। सरकार आज तक इस लेवल पे नहीं पहुंच पाई कि अपने नागरिकों को, देश के सब लोगों को मुफ्त में फ्री में पानी मुहैया कराया जा सके। और बात कर रहे हैं ये मेट्रो के टिकट फ्री करने की, हरियाणा गवर्नमेंट कितने सालों से सिर्फ रक्षाबंधन के दिन हर महिला की टिकट फ्री होती है, आज से नहीं है, बहुत सालों से, मतलब 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूं कि रक्षाबंधन के दिन कोई भी महिला किसी भी हरियाणा रोडवेज की बस में चढ़ती है उसको टिकट नहीं लेनी पड़ती, वो कहीं भी जाए, लेकिन वो सिर्फ एक दिन होता है। इससे ना तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, ना उन लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है जो सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन रोज रोज की इस तरह की प्रैक्टिस अगर बोल दी जाए तो नुकसानदायक होगा कहीं ना कहीं। और हो सकता है ये आम आदमी पार्टी के लिए भी, मतलब बेसिकली हम नॉट अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, लेकिन हो सकता है कि सिटिंग सरकार के लिए ये नुकसानदायक भी हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा किस तरीके से एक दिल्ली सरकार का जो फैसला आया उसके ऊपर हमने डिस्कशन करी। तो अब ये सारी चीजें हमने इसके ऊपर बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार का फैसला हर घर में इफेक्ट कर रहा है। तो हम समय समय पर आपको इन मुद्दों के ऊपर अवेयर कराते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।